నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఈ ప్రసారంలో नमस्कार. आज हम भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा और बोली विषय पर कुछ चर्चा करेंगे. भाषा और बोली ये दो ऐसी संकल्पनाएं हैं जिन्हें एक तरफ तो भाषा विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य जीवन में भी भाषा और बोली को लेकर कई प्रकार की धारणाएं पाई जाती हैं. तो हम आज आपसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे भाषा और बोली से जुड़े हुए, जिनमें एक है भाषा और बोली की संकल्पना, दूसरा भाषा और बोली के समान एवं विषम लक्षण. इसी के साथ साथ हम भाषा और बोली की सामाजिक उपादेयता और इनकी साहित्यिक विरासत पर भी विचार विमर्श करेंगे. भाषा और बोली को लेकर कई प्रकार की भ्रांत धारणाएं समाज और कई बार विद्वानों के बीच भी प्रचलित पाई जाती हैं. जैसे कई बार यह समझा जाता है कि व्यापक संप्रेषण में बोली अक्षम होती है, या कई बार यह कह दिया जाता है कि बोली भाषा की तुलना में अविकसित होती है, या कि बोली को अविकसित जन समुदाय का संप्रेषण माध्यम समझा जाता है. हम कहना चाहते हैं कि भाषा और बोली संबंधी ये धारणाएं भ्रांत धारणाएं हैं. इसी प्रकार जो लोग ये समझते हैं कि बोली लिपि रहित होती है या बोली साहित्य विहीन होती है, वे भी भ्रांति के शिकार हैं. भाषा को ही संप्रेषण का समर्थ माध्यम मानते हुए केवल उसी को शिष्ट जनों के संप्रेषण का माध्यम समझना उचित नहीं है. हम इन धारणाओं का खंडन करते हुए यह स्पष्ट करेंगे कि भाषा और बोली किस प्रकार संप्रेषण के एक जैसे सशक्त माध्यम हैं और दोनों किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए तथा अपनी अलग अस्मिता रखने वाले पक्ष हैं. विषय प्रवेश करते हुए हम याद दिलाना चाहेंगे कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक वैयक्तिक पक्ष और दूसरा सामाजिक पक्ष. आप जानते ही हैं भाषा का आविर्भाव व्यक्ति में होता है, इसलिए भाषा का आधार व्यक्ति है. व्यक्ति द्वारा अर्जित भाषा रूपी संपत्ति का प्रयोजन समाज में होता है, इसलिए यह कहना आवश्यक है कि भाषा का प्रेरक तत्व समाज है. भाषा और भाषा के नियम समाज निरपेक्ष नहीं हो सकते. व्यक्ति और व्यक्ति के बोलने का ढंग, वाक्य रचना, उच्चारण, शब्द चयन सब भिन्न भिन्न होते हैं. भाषा की इस व्यक्ति सापेक्ष भिन्नता को अनियंत्रित छोड़ दें तो भाषा की बोधगम्यता में बाधा आ जाती है. प्रत्येक भाषा का इसीलिए एक आदर्श रूप होता है. इस आदर्श रूप को ही परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा कहा जाता है. स्मरण रहे कि परिनिष्ठित भाषा की व्याप्ति अधिक होती है और इस कारण उसके प्रयोग में एक रूपता परिलक्षित होती है. प्रयोग तथा भाषा के शब्द भंडार की एक रूपता के कारण भाषा की बोधगम्यता भी बढ़ती है, अर्थात परिनिष्ठित भाषा की बोधगम्यता का दायरा अपेक्षाकृत अधिक होता है. परिनिष्ठित भाषा जिस क्षेत्र में व्यवहृत होती है वह
उस क्षेत्र के शिक्षा, शासन तथा साहित्य निर्माण के कार्यों में प्रयुक्त होती है। परिनिश्चित भाषा के उदाहरणों के रूप में हम हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु आदि भाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए दैनंदिन कार्यों से लेकर शासन प्रशासन, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा और साहित्य सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली भाषाएं हैं। इनके एकाधिक स्थानीय रूप होते हैं, लेकिन एक इनका परिनिष्ठित या मानक रूप है। तो भाषा का जो स्थानीय रूप होता है या भाषा के जो अलग अलग स्थानीय रूप होते हैं, उन्हें बोली कहा जाता है। कहना उचित होगा कि बोली किसी भी भाषा का स्थानीय रूप है, जिसका प्रचलन एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर होता है। भाषा के स्थानीय भेद के कारण उसका प्रयोग भेद भी परिलक्षित होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बानी। ये जो चार कोस पर बानी बदलने का अर्थ यह नहीं है कि भाषा पूरी की पूरी बदल जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि स्थान भेद के साथ हमारी बोली बदल जाती है और इन बोलियों के बीच एक परस्पर बोधगम्यता, जिसे हम कहेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, होती है। भाषा के स्थानीय भेद के कारण उसका प्रयोग भेद भी परिलक्षित होता है। यह स्थानीय भेद तथा विशिष्टता ही बोलियों के जन्म का कारण है। हम उदाहरण के लिए हिंदी की चार बोलियों की एक क्रिया को देख सकते हैं। खड़ी बोली में कहा जाता है जाता हूं, ब्रज भाषा में इसे जा हों कहा जाएगा, भोजपुरी में जात है और मगही में जा ही। तो इस प्रकार ये एक ही क्रिया जा के अलग अलग बोलियों में अलग अलग प्रकार से परिवर्तित होते हुए प्रयोग हैं, व्यवहार हैं, और ये व्यवहार भेद ही बोलियों का आधार बनते हैं, बोलियों की पहचान का हेतु बनते हैं। स्थानीय भेद के कारण ही बोलियों में प्रयोग संबंधी भिन्नता पाई जाती है। कई बार तो बोलियों के भीतर भी उपबोलियां प्राप्त होती हैं। यह भिन्नता इतनी अधिक नहीं होती कि दो बोलियों के बीच बोधगम्यता ही न रहे। एक बोली को जानने वाला दूसरी बोली को उसके अंतर के बावजूद समझ लेता है। जैसा हमने पहले भी कहा, इसे दो बोलियों की या विभिन्न बोलियों की परस्पर बोधगम्यता या म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी कहते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि भौगोलिक दृष्टि से निकट रहने वाली बोलियों में परस्पर बोधगम्यता अधिक होती है। यानी अगर हम हिंदी को देखें तो खड़ी बोली क्षेत्र और ब्रजभाषा क्षेत्र और हरियाणा का हरियाणवी क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं भौगोलिक दृष्टि से, तो इन बोलियों के बीच एक बोधगम्यता या जिसे हम कहें कि डेंसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वह अपेक्षाकृत अधिक है तुलना में खड़ी बोली और मैथिली के। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैथिली और खड़ी बोली के बीच बोधगम्यता नहीं है, बोधगम्यता है, और यह परस्पर बोधगम्यता ही इन दोनों बोलियों को एक भाषा हिंदी की बोली के रूप में स्वीकार करने का आधार है। परस्पर बोधगम्यता रखते हुए भी स्थानीय भेद के कारण पाए जाने वाले भाषा के विभिन्न रूपों को बोली अथवा विभाषा कहा जाता है। यहाँ यदि भाषा से तुलना करके कहना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि बोली का उपयोग शासन, शिक्षा आदि कामों के लिए उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार की भाषा का उपयोग इन तमाम क्षेत्रों में किया जाता है। जब कोई बोली किन्हीं कारणों से मानकत्व प्राप्त कर लेती है, परिनिष्ठित हो जाती है, तो वह इन सारे प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल की जाने लगती है और
हिंदी की ब्रजभाषा और खड़ी बोली ने अपने इतिहास में बोली के आसन से आगे बढ़कर भाषा का आसन प्राप्त किया है, यह इसी का प्रमाण है कि भाषा और बोली प्रयोजन की दृष्टि से भिन्न नहीं है, बात केवल भौगोलिकता और परस्पर समझ की है। बोली में रचित साहित्य की भी लंबी परंपरा है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी बोली में रचित है और वह हिंदी का सर्वाधिक जनप्रिय महाकाव्य है। एक परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ सम्मिलित होती हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएँ हैं जिनकी 17 बोलियाँ मानी जाती हैं। कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या 20 तक मानी है। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण प्रयोग क्षेत्र के आधार पर यदि करना चाहें तो इन्हें हम 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, एक हिंदी क्षेत्र, दूसरा अन्य भाषा क्षेत्र और तीसरा भारतेतर क्षेत्र। जो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हिंदी क्षेत्र में व्यवहृत हैं उनके 5 वर्ग हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अन्य भाषा क्षेत्र के अंतर्गत हम दक्षिणी हिंदी की बात कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी और हैदराबादी हिंदी को लिया जा सकता है। फिर बम्बईया हिंदी है, इसी प्रकार कलकतिया हिंदी, शिलोंगी हिंदी और अब तो यह भी कहना होगा कि बाजार की हिंदी या जो हिंग्लिश भी है वह भी अन्य भाषा क्षेत्र के रूप में हिंदी की एक बोली है। इन सबको हम हिंदी की अक्षेत्रीय बोलियां कह सकते हैं। भारतेतर क्षेत्र की चर्चा करें तो भारत के बाहर एक तो जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं या जिसे हम कहें भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों का व्यवहार होता है। इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया में हिंदी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते समय अगर हम इस बात को छोड़ दें कि विभिन्न देशों में उनकी राजधानियों के विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और वहाँ भी किसी न किसी रूप में हिंदी बोली जाती है, तो यह छोड़ना उचित नहीं होगा। भारत के बाहर हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं ताजुज़बेकी हिंदी, मारीशसी हिंदी, फीजी हिंदी, सूरीनामी हिंदी। अब हम वापस हिंदी प्रदेशों की हिंदी बोलियों पर लौटते हैं। जैसा कि हमने कहा, हिंदी प्रदेशों में व्यवहृत एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोलियां सम्मिलित हैं। पहाड़ी के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली का समावेश है तथा पश्चिमी पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश की कई बोलियों का मिला जुला रूप है, ये 3 बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका, इन 5 प्रमुख हिंदी बोलियों का उल्लेख आवश्यक है। इस चर्चा के बाद हम थोड़ा
भाषा और बोली के सामान्य लक्षणों पर भी विचार करते चलें। मित्रों, भाषा विविध रूपा होती है। भाषा को विविध रूपा बनाने में बोलियों का भी योग रहा है। वास्तव में भाषा कई बोलियों का समूह होती है। भाषा और बोली को वैज्ञानिक आधार पर एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों नाम मात्र मूल्यों से संबंधित नाम हैं, न कि उनकी संरचनात्मक प्रक्रिया से संबंधित। अभिप्राय कहने का यह है कि भाषा और बोली में छोटे और बड़े का, श्रेष्ठ और कनिष्ठ का भेदभाव करना उचित नहीं है। भाषा और बोली अपने अपने व्यवहार क्षेत्र में एक ही काम करती हैं, और वह काम है संप्रेषण। चाहे भाषा हो या बोली, दोनों ही का मूल कार्य संप्रेषण है। भाषा और बोली दोनों का आविर्भाव, विकास तथा व्यवहार समाज में ही होता है। भाषा और बोली दोनों में एक ही प्रकार की भाषिक पद्धति मिलती है। भाषा और बोली के शब्द भंडार का स्रोत एक ही है। दोनों को समाज से ही शब्द प्राप्त करने हैं। शब्दों के उच्चारण, व्याकरणिक रूप आदि पर क्षेत्रीयता के प्रभाव से उत्पन्न भेद होते हुए भी शब्द भंडार में काफी हद तक समानता परिलक्षित होती है। बल्कि कहना यह होगा कि बोली की अधिकतर शब्दावली ही परिष्कृत और मानक रूप में भाषा को समृद्ध बनाती है, और जब जब भाषा जड़ होती है या रिक्तता अनुभव करती है, तब तब उसे अपनी जड़ों के पास अर्थात बोलियों के पास जाना पड़ता है। क्योंकि बोलियां दैनिक जीवंत प्रयोग में रहती हैं, इसलिए वहां से नए नए शब्दों को ग्रहण करके भाषा नई चुनौतियों का सामना करती हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि भाषा और बोली दोनों में ही साहित्य सृजन होता है। यह सोचना कि बोलियों में साहित्य सृजन नहीं होता अनुचित है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां अवधी, ब्रज, मैथिली, मारवाड़ी, भोजपुरी इस दृष्टि से बहुत ही समृद्ध साहित्य से और विपुल साहित्य से भरी हुई बोलियां हैं। आज भी इन बोलियों में साहित्य की रचना हो रही है। इनको हिंदी भाषा के साहित्य के भीतर ही माना जाता है। भाषा और बोली दोनों के माध्यम से उच्चरित और लिखित संप्रेषण संभव है। भाषा और बोली दोनों के लिए लिपि की व्यवस्था है। भाषा और बोली दोनों की अपनी अपनी व्याकरण व्यवस्था होती है। बावजूद इसके भाषा और बोली के बीच कुछ विषमताएं भी हैं, या कहें कि कुछ भेदक लक्षण हैं जिनके आधार पर बोली और भाषा को अलग अलग करके देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, भाषा का क्षेत्र व्यापक और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है और भाषा विभिन्न बोली क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। अर्थात भाषा का व्यवहार अधिक दूर तक होता है और बोली का अपेक्षाकृत कम दूर तक। एक भाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं, पर एक बोली क्षेत्र में कई भाषाएं नहीं हो सकती। जैसा हमने पहले भी कहा, भाषा का एक आदर्श या मानक या परिनिश्चित रूप होता है, पर बोली का कोई आदर्श या मानक रूप नहीं होता। जैसे ही उसका मानकीकरण होता है, वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। जैसे कि खड़ी बोली ने मानकीकृत होकर आज व्यापक भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। एक भाषा की विभिन्न बोलियों में परस्पर पर्याप्त बोधगम्यता होती है। इसकी तुलना में विभिन्न भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता कम होती है। उदाहरण के लिए, खड़ी बोली में जाता हूं बोलने वाला ब्रज भाषा का जाहों को आसानी से समझ लेता है, पर वह अंग्रेजी के आई गो को भी समझ ले, यह आवश्यक नहीं है। अर्थात बोलियों के बीच और बोली और उसकी भाषा के बीच एक परस्पर बोधगम्यता अधिक होती है, जबकि भाषाओं भाषाओं के बीच यह बोधगम्यता
अपेक्षाकृत कम होती है। भाषा को अधिक मान्यता प्राप्त होती है, परंतु बोली को भाषा जैसी मान्यता प्राप्त नहीं होती। भाषा का उपयोग उस प्रदेश के साहित्य, शिक्षा, शासन आदि कार्यों में किया जाता है। बोली का उपयोग कुछ अपवादों के अतिरिक्त इन कार्यों के लिए प्रायः नहीं किया जाता। बोली का प्रयोग दैनंदिन व्यवहार के लिए किया जाता है। भाषा कालांतर में कई कारणों से विकसित होकर दूसरी भाषा नहीं बना सकती, पर बोली धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कारणों से भाषा का दर्जा पा सकती है, जैसे ब्रजभाषा और खड़ी बोली के संदर्भ में हुआ। भाषा किसी देश के शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा बोली जाती है। बोली का उपयोग ज़्यादातर सीमित क्षेत्र में अशिक्षित या अर्धशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। एक और बात ध्यान देने की है कि भाषा एकीकरण की भावना को प्रश्रय देती है, तो बोली स्थानीयता के आग्रह के कारण पार्थक्य भावना को बढ़ाने का काम कर सकती है। भाषा और बोली के संबंधों और उनकी परस्पर समानता और विषमता पर बातचीत के बाद अब हम इस बात को भी देख लें कि भाषा और बोली की सामाजिक उपादेयता क्या है। मित्रों, मनुष्य एक समाज सांस्कृतिक प्राणी है। उसके समस्त कार्य व्यापार का माध्यम भाषा है। उसके लिए भाषा एक शक्ति है, एक अर्जित संपत्ति है। मनुष्य सदैव भाषा में ही सोचता है और अपनी समस्त सोच को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। उसकी दैनंदिन बातचीत भी भाषा में ही होती है। यह सारा काम वह जिस भाषा में कर रहा होता है, वस्तुतः वह उसकी मातृबोली है। हम अपनी मातृबोली में ही सोचते हैं, सपने देखते हैं। यह बोली एक सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा रूप होता है। अतः मनुष्यों के सोचना, अभिव्यक्त करना, आपस में बातचीत करना, सामाजिक संबंध स्थापित करना, सामाजिक शिष्टाचार निभाना जैसे विभिन्न कार्य व्यापारों में भाषा और बोली दोनों का अनिवार्य योग रहता है। कहना होगा कि हमारी सामाजिकता को, हमारी संस्कृति को, हमारे शिष्टाचार को और हमारी परंपराओं को हमारी बोलियां और भाषाएं ही सुरक्षित रखती हैं। भाषा का ढांचा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता है। किसी क्षेत्र की सामाजिक आवश्यकताएं और समाज का ढांचा उस क्षेत्र की बोली के जन्म के कारण बनते हैं। उस क्षेत्र के समस्त सामाजिक व्यवहार, कभी कभी शासन संबंधी कार्य भी बोली के माध्यम से ही होते हैं। इसलिए सामाजिक उपादेयता की दृष्टि से हम बोली को नकार नहीं सकते। इसी के साथ हम यह उम्मीद करते हैं कि भाषा और बोली विषयक कई जानकारियां और कई विषय आपके समक्ष स्पष्ट हुए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు, సలహాలు ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీ సూచనలు, సలహాలు మాకు తెలియచేయవలసిన చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్క్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 50003.